यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल, हाउ टू फिल कंट्रोल सीट ऑफ नेस। कंट्रोल सीट कैसे भरें इसके बारे में ये वीडियो है, जरूर ध्यान से देखिए ताकि कोई भी कंट्रोल सीट भरने में आप गलती ना कर दें। चलिए मैं शुरू करता हूं तैयारी वीडियो दिखाने की, तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंट्रोल सीट भरने के लिए सबसे पहले जरूरी है बच्चों की सैंपलिंग करना। सैंपलिंग से तात्पर्य यह है कि अगर किसी सेक्शन में या किसी कक्षा में 30 से अधिक बच्चे हैं तो हमें उस अधिक बच्चों से 30 बच्चे निकालना है सैंपलिंग के माध्यम से। सैंपलिंग के संबंध में एक वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं, प्रक्रिया को डिटेल में समझ लीजिए। ये कंट्रोल सीट भरने के लिए बहुत आवश्यक है। कंट्रोल, जैसे कि आप जानते हैं, कंट्रोल का अर्थ होता है पूरी तरह से कंट्रोलिंग, किसी चीज़ की कंट्रोल करना, और कंट्रोल सीट में सब कुछ है। इसके बिना आपका नेस्ट एग्ज़ाम भी गड़बड़ हो सकता है, इसलिए कंट्रोल सीट को समझ लीजिए और अच्छी तरह से देख लीजिए। नेस्ट आईडी के अनुरूप उपलब्धि बुकलेट, यानी हम जो टेस्ट कराएंगे वो, और पीक्यू वितरित करने के लिए कंट्रोल सीट सहायक है। सीधा सा तात्पर्य यह है कि कंट्रोल सीट के अनुसार ही उपलब्धि बुकलेट और पीक्यू हम वितरित करेंगे। अब जल्दी से चलते हैं कंट्रोल सीट को दिखाने के लिए कि आखिर कंट्रोल सीट में है क्या। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये कंट्रोल सीट है। इसका ऊपर वाला भाग स्कूल की डिटेल्स है, इसमें ऑब्जर्वर का नाम आएगा, सेक्शंस आएंगे, ग्रेड आएगा। जो नीचे तरफ आप देख रहे हैं इसमें सिग्नेचर्स का कॉलम है, डिटेल्स का है, साइन का कॉलम है। ये तीन हिस्से में बटी हुई है और इसके पीछे तरफ एक और हिस्सा होगा, वो भी हम आपको आगे बताते हैं। पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पहले वाले हिस्से पर। जो ये पहला वाला हिस्सा है, ऑब्जर्वर का नेम लिखा हुआ है, नेम ऑफ सेक्शंस लिखे हुए हैं, ग्रेड लिखा हुआ है, यूडाइस और स्कूल का नाम लिखा हुआ है। ये जानकारी हमारे पहला पोर्शन है, आप इसको अच्छी तरह से भर लीजिए, साफ राइटिंग में भर लीजिए, अच्छे पेन से भर लीजिए। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, जो आप नीचे देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है नेस आईडी, एटी बुकलेट नंबर, पीक्यू बुकलेट नंबर और बुकलेट सेट। बुकलेट सेट भी 3132 3334 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो आप कंट्रोल सीट देख रहे हैं ये किस क्लास की है? बिल्कुल सही, ये क्लास 3 की है, क्योंकि क्लास का नंबर आगे रहता है और उसके पीछे उसकी बुकलेट सेट नंबर रहता है। अगर ये कंट्रोल सीट 5th क्लास की होती तो ये बुकलेट सेट 5152 इस तरह से होते। पहले चार कॉलम तो भर गए, अब इसके बाद पांचवा कॉलम आता है नेम का। नेम जिस क्रम से बच्चे बैठेंगे उस क्रम से हम इसमें सीट में सारे नेम लिख लेंगे। इसके बाद अगला कॉलम है स्कूल रोल नंबर। अब यहाँ पर वो रोल नंबर लिखना है जो स्कूल के उपस्थिति रजिस्टर में बच्चे का नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उसका नंबर डालना है। किसी दो बच्चों के एक से नाम है, किसी तीन बच्चों के एक से नाम है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें स्कूल रोल नंबर से उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद लास्ट कॉलम है रिमार्क का। विशेषकर अगर बच्चा CWSN कैटेगरी का है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए CWSN, या और भी रिमार्क जो आपको उपयुक्त लगता है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका तीसरा हिस्सा नीचे वाला, नीचे लिखा हुआ है एक्चुअल एग्ज़ाम स्टार्ट टाइम, मतलब जब वास्तविक रूप से आपने एग्ज़ाम स्टार्ट किया वो टाइम यहाँ पर आएगा। एक्चुअल एग्ज़ाम एंड टाइम, जब आपने एग्ज़ाम को एंड किया यहाँ पर आपको वो टाइम लिखना है। इसके बाद टोटल PQ और OMR कलेक्टेड ये भरना है। इसके नीचे ऑब्जर्वर के साइन होंगे, फील्ड इन्वेस्टिगेटर के साइन होंगे और स्कूल हेड के साइन होंगे। ये इतनी चीज़ आपको कॉलम नंबर 3 में भरना है। अब हम देखते हैं इसकी रिवर्स साइड, पीछे की साइड, कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए इसकी बैक साइड में इस तरह से इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, प्रोसेस लिखी है। अब ये स्कूल के सेक्शन लिखे हुए हैं ABCD, लेकिन आपने देखा होगा कई जगहों पर, कई स्कूलों में आजकल ABCD का चलन कम हो गया है और इसमें किसी तरह से नाम देना शुरू किए हैं। महापुरुषों के नाम देते हैं, रिवर के नाम देते हैं, जैसे यमुना, गंगा, इस तरह से जो भी सेक्शंस बनाए होंगे हमें उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। और जिस सेक्शन का आपने सिलेक्शन किया है उसको आप मेंशन कर दीजिए, और अगर उस सेक्शन में 30 से कम बच्चे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। और दूसरा, अगर 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर आपको सैम्पलिंग प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगी।
और नीचे तरफ हम देखते हैं तो आप इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन से एक बार आप पढ़ सकते हैं। इसमें हमें भरने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो सैम्पलिंग प्रोसेस है वो यहाँ लिखी हुई है। आप अगर चाहते हैं तो हमारे एक वीडियो में जो ऊपर आपको आई बटन पर दिख रहा है, आप उसको क्लिक करके एक बार देख लीजिए सैम्पलिंग प्रोसेस, आपको वहाँ से सारी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। कंट्रोल सीट में बस इतना ही, उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है कंट्रोल सीट के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आपको रिप्लाई तुरंत करेंगे। नेस की भी आपको बहुत सारी बधाई, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।